आज हमारे पास ए डीओ BS6 मॉडल जो इसी साल लॉन्च हुई है, आज इसका सर्विस करना है। तो देखते हैं आज इसके सर्विस में क्या क्या करना पड़ सकता है और क्या क्या करना चाहिए। अभी बारिश का मौसम है तो पानी ना जाए इसके लिए भी देखना पड़ता है, नहीं तो लाइनर वाइनर में पानी चले जाते हैं और आवाज़ आने लगते हैं। तो BS6 मॉडल है डीओ का, तो आज इसको खोल के देखेंगे। तो सबसे पहले सर्विस में एयर फिल्टर खोलते हैं। ये फिल्टर देख सकते हैं, इसमें पूरा ऑयल लग गया है। अभी इसका चलने का कोई भी उम्मीद नहीं लग रही है। अब क्या साफ कर। ये हमने लाइनर क्लीन कर लिया है और ये लाइनर जो है अभी तक क्लीन नहीं हुआ है, तो इतना फ़र्क आ जाता है लाइनर क्लीन करने के बाद। ये ज़्यादा हार्ड रहता है और ये कम हार्ड रहता है। अभी लाइनर उतने घसे नहीं है, अभी चलेंगे लाइनर। ब्रेक शू बोलते इसे, तो इसे भी हम साफ़ कर लेते हैं। लाइनर ब्रेक शू कर लिए हमने क्लीन, तो अभी इसे करते फिटिंग। इसमें हल्की हल्की ग्रीस लगानी है, ज़्यादा ग्रीस नहीं लगाना है। देख लेना है वो अच्छे से क्लीन हो, कि मिट्टी वगैरह ना हो। ये नई गाड़ी है तो भी इसका व्हील का बैरिंग चेक कर लेते हैं। व्हील की बैरिंग चेक करने के लिए इस शाफ्ट को हिला के चेक करना रहता है, तो हिल तो नहीं रहा है थोड़ा भी, मतलब ये बैरिंग नहीं गया है तो ग्रीसिंग हो गई है। थोड़ी स्प्रिंग पे भी लगा लेते हैं। प्रॉपर बैठा है कि नहीं चेक करने के लिए पैसे दबा के दोनों चेक कर सकते हैं। अगर ये रिवर्स आ गया अपनी जगह पे, मतलब ये प्रॉपर बैठ गए। ड्रम पे क्या करना है, तो ड्रम पे भी अगर जितने भी मिट्टी वगैरह लगे तो आप कपड़े से साफ़ कर लीजिए। कपड़े से एकदम गिल्ले कपड़े रहेंगे तो एकदम आसानी से जो मिट्टी वगैरह चिपक जाते हैं तो साफ़ हो जाएगा पूरा अच्छे से। देखिए जैसे क्लीन हो रहा है। ये जो लोहे की जो पट्टी लगी हुई है, जो ब्रेक शू रहते हैं और जो लकड़ी रहता है, जैसे आप ब्रेक मारते तो इसे पूरा चिपक जाते हैं खुल के, तो ये ब्रेक लगता है। तो इसे भी आपको क्लीन कर लेना है क्योंकि इस पर पानी जाने की वजह से पूरे जंग लगने जैसे हो गए, जिसकी वजह से आवाज़ आना आ सकता है। तो हमें इसे पेपर से क्लीन करना है। अंदर से ले ले ज़ूम करके। क्या ना लंबा पड़ रहा है। तो देख सकते हैं मैंने इसे फाइनली क्लीन कर लिया है, तो अभी
खाली थोड़ा सा इस पर ग्रीस लगा लेना ताकि इसके रास्ते बारिश उरिश में पानी नहीं ना चले जाए कहीं से। तो अभी से करते फिटिंग ना है और नहीं लगाना है तो स्प्रिंग में थोड़ी ग्रीस लगा देते हैं। तो एक बार इसे घुमा के देख ले प्रॉपर फिटिंग है कि नहीं। तो ये प्रॉपर फिट हो चुका है तो मैं थोड़ा नट में भी ग्रीस लगा लेना है नहीं तो जैसे देखिए अभी बारिश में इसमें जंग लगना स्टार्ट हो चुका है। बारिश में सर्विस करने का सबसे फ़ायदा ये है कि मैकेनिक ग्रीस लगा देते और ग्रीस की वजह से जो पानी का जंग लगना है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है क्योंकि जहाँ जहाँ ग्रीस लगा रहता है वहाँ पर जंग लग ही नहीं सकता। इसको टाइट करने के लिए यहाँ पे लॉक कर सकते हैं ताकि ये प्रॉपर अच्छे से लॉक हो जाए। लॉक हो गया अब व्हील घूमेगा नहीं और आप इसे अच्छे से टाइट कर सकते हैं। ओह नहीं तो मीम बना सकते इसका। तो प्रॉपर फिटिंग अभी देखते हैं ब्रेक कितना लूज और टाइट करना है। अगर आपको ब्रेक टाइट करना रहेगा जैसे अगर लूज हो गया ब्रेक तो आप यहाँ से ही कर सकते हैं। इस पहले इसे के मैसा दबा दीजिए दबा के चेक कर लीजिए कितना अंदर तक जा रहा है। यहाँ तक जा रहा है मतलब यहाँ तक ब्रेक टाइट होगा तब आपका ब्रेक पूरा प्रॉपर काम करेगा। तो इसे ऐसा हाथ से भी घुमाएंगे तो ये चले जाएगा अगर जाम जाम नहीं होगा तो। जाम रहेगा तो आप ऑयल वगैरह यूज़ करना। तो हमने इसे टाइट कर दिया अभी ब्रेक चेक चलो चलो अभी देख टाइट कर लेना अगड़ी में आपको हाथ नहीं बिल फ्री है नहीं तो अगर आपने ब्रेक ज़्यादा टाइट कर दिया तो आपका बिल जाम हो जाएगा। देखिए कैसे जैसे भी जाम होने लगे हमने थोड़ी ज़्यादा टाइट कर दी थी उसे करते लूज। तो हम आएंगे आगे की व्हील की तरफ क्योंकि अब आगे की व्हील खुलेगी इसकी। तो व्हील खोलने के लिए सबसे पहले हम इसके थोड़े ब्रेक लूज कर लेते हैं। तो यहाँ से घूम रहा है तो इसे पकड़ना पड़ेगा। बारिश में दोस्तों पानी लग के जाम हो जाते हैं तो इतने जाम हो गए कि खुल भी नहीं रहे खुल। स्प्रिंग से टाइट ही रहते हैं बस बस हमें ज़्यादा नहीं खोलना है हमें थोड़ा थोड़ा ही खोलना है लूज ही करना रहता है जितनी आवश्यकता हो उतनी खोलिए गाड़ी तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ से लॉक निकल गया है तो लॉक अगर निकल जाए दोस्तों तो हमें इसे बिठा लेना है। तो अब इसका खोलेंगे हम एक्सल सब तब तक इसका आगे का व्हील खुलता है तब तक हम देखते हैं इसके मीटर वगैरह। इसकी मॉडिफिकेशन अच्छी की गई है इस बार पर जैसे कि इसमें चेंजेस किए गए हैं तो इसके जो पार्ट्स वगैरह है काफ़ी महंगे आएंगे जैसे कि इसके फ्यूल पंप फ्यूल इंजेक्टर इसके फ्यूल पाइप वगैरह सीट लॉक्स समझ लीजिए। अगर चूहे ने अगर आपकी गाड़ी एक बार काट लिया तो वायर वायर में काफ़ी खर्चे पड़ जाएंगे। बाकी मॉडिफिकेशन काफ़ी अच्छी है जैसे ये बटन आप बंद भी कर सकते हैं इसे स्विच ऑफ भी हो गए आप इंजन बंद होता है और इससे आप सेल्फ स्टार्ट भी कर सकते हैं दोनों कॉम्बी है अच्छा दिया है। अगर आप एक्टिवा में लगाना चाहे तो मैं एक्टिवा में भी लगा दूंगा। देख सकते हैं दोस्तों इसका नट खोल लिया हमने पर इसका एक्सल काफ़ी जाम है तो एक्सल वगैरह निकालने के लिए तो अगर आप हथौड़ी मारने जा रहे हैं तो पहले
इस पर ऐसे नट लगा लीजिए ताकि आपका एक्सल ना ख़राब हो। हमें एक्सल लगा के फिर हल्के हल्के ठोकना है ताकि ये निकल जाए। तो देखिए काफ़ी प्यार से ठोकना है, एक्सल जाम रहेगा तो भी आपका निकल जाएगा। धीरे 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 ठोकना है आपको। राइट ओपन कर, आगे का व्हील खोल लिया, ये काफ़ी जाम था, इसका एक्सल पूरा पकड़ लिया था। देख सकते पानी कहाँ कहाँ गया है। लाइनर पे भी थोड़ा पानी आ गया था जिसकी वजह से लाइनर भी हार्ड हो गया है, डैमेज भी हो गया है, तो इसे करना है क्लीन। तो लेते हैं पेपर और हो जाते हैं चालू। एक्सल में जंग लग गई थी पानी। ये बारिश के पहले आप सर्विस करा लेंगे तो ये जो जंग उंग लगने का है समस्या ये बहुत कम आएगा। अगर पानी नहीं जाता तो ये एक्सल जाम ही नहीं होता, इसमें जंग नहीं लगता, तो इसमें ग्रीस व्रीस लगा देते सर्विस में खोल के। तो हमें इस जितने भी इसमें रस्ट वगैरह लगी है उससे पहले हमें क्लीन करना है पॉलिश पेपर से। हमने एक्सेल पे भी पॉलिश पेपर मार लिया और उससे भी करना है क्लीन। तो पहले हो जाने दीजिए, देखते हैं ला भी लेंगे। चलो करने के बाद हमें ध्यान देना है कि बैरिंग वेरिंग में ग्रीस डाल दे क्योंकि बारिश है। तो बैरिंग हमें निकालना नहीं है, पर इसके ऊपर ये जो कवर लगा हुआ है आप इसे किसी भी नुकीले पतले चीज से निकाल सकते हैं। तो मेरे पास अभी ये कैंची है, तो आप देख सकते हैं इसमें कि ग्रीस है, कंपनी का ग्रीस है और बैरिंग भी कंपनी का है। तो इसमें ग्रीस वगैरह है लेकिन तो भी हम डाल देंगे इसमें ताकि बारिश में कमी ना हो इसमें ग्रीस की। उल्टे साइड भी हमें इस साइड भी ग्रीस लगाना है क्योंकि ये पोर्शन बाहर से दिखता है, मतलब बाहरी साइड रहता है तो इसमें पानी ज़्यादा जाता है। और एक छुरा, इसे स्क्रू ड्राइवर लेना है आपको, इसे आराम से निकाल लेना है। जो ग्रीस वगैरह है उसे पहले ले ले, ऊपर साफ कर दे। पिन किसी नुकीली चीज़ से ही निकालना है आपको ताकि इसके जो ऑयल सिले ख़राब ना हो। तो इसमें भी बैरिंग ग्रीस की कमी हो ही गई थी तो इसमें ग्रीस लगा लेते ताकि ये बैरिंग जल्दी ख़राब ना हो। सर्विस में यही ध्यान दिया जाता है कि जो चल पार्ट्स चलने वाले हैं उसे ग्रीसिंग कर दे अच्छे से ताकि और लंबा चले। खोल के चेक करना ही सर्विस में काम है कि आपके पार्ट में चलने जैसा है कि नहीं चलने जैसा है। उसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग प्रॉपर करना सर्विस में यही काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो हमने इसमें ग्रीस लगा दिया है तो इसका जो ऑयल सील है ग्रीस को रोकेगा, इसे हम लॉक कर देते हैं। इसमें खाली आपको धीरे से बिठाना है, अगर हाथ से ना बैठे तो फिर किसी पतली चीज़ की मदद ले लें। ग्रीस लगा ले स्प्रिंग में, इसमें जो किलोमीटर का कनेक्शन और वॉर्म वगैरह रहते तो इसमें अभी मॉडिफिकेशन से पीछे कर दिया है। तो हमने लाइनर वगैरह साफ कर लिया है और ग्रीसिंग व्रीसिंग भी हो गई, तो अभी इसे करते फिटिंग।
हम इसके प्लग वगैरह गैरेज पे खोलेंगे क्योंकि इसने टूल्स अभी तक उतने लेके नहीं आए। तो इसके नॉर्मल सर्विस हो गया, अभी इसमें फ्यूल इंजेक्टर वगैरह है, तो इसके कार्बेटर वेटर है नहीं तो खोलने की उसकी ज़रूरत नहीं है। तो बाकी इसके जो काम है गैरेज पे लेके जाके करेंगे। इसके ब्रेक्स वगैरह के काम के फिल्टर विल्टर, और इसमें कुछ स्पार्क प्लग नहीं खोलेंगे ज़्यादातर, अभी तो गाड़ी नहीं है तो खाली खोल के साफ़ कर देंगे। दोस्तों हम देखते कि होंडा डियो गाड़ी में ग्रीसिंग कहाँ कहाँ करना है ताकि गाड़ी बारिश से बच जाए, बारिश के पानी से बच जाए बारिश में। पहले हम लगाएंगे लीवर में ग्रीस। इस साइड भी मेरे बोलते हैं।